एक तो जो श्रवण गर्ग जी ने जो कमलनाथ जी के बारे में बोला है उससे मेरी पूरी सहमति है। ये एक बात है, उसके राजन जी की भी वही सहमति है। लेकिन कुछ जब कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ जो है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना बेकार है। बात यह है कि अभी जो यहाँ का माहौल है, कल जब मैं भोपाल में था वहां पर कुछ लोग आकर के जो मिले सागर के, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर गोविंद सिंह राजपूत और भूपेन सिंह जो वहां के बहुत पावरफुल लीडर्स हैं उनके खिलाफ में कोई भी खड़ा हो जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। बस ये है कि वो खुद एडजस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि इन नेताओं के पैसे से, इनकी धाक से अगर कोई एडजस्ट नहीं होगा तो वो चुनाव क्लियर कट जीत जाएगा। और ये बात कहने वाले बहुत सीनियर लोग हैं, नाम नहीं उनका मैं ले सकता। तो मेरा मतलब ये है कि ये यहाँ का माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये है कि जो एक किस्म की चेतावनी शरण गर्ग जी ने दी है उसे मैं तो ये अपेक्षा रखता हूं कि कांग्रेस उसको बहुत सीरियसली लेगी, क्योंकि ये उनका चिंता का विषय है। इसलिए उन्होंने बोला हमारी चिंता का विषय फिलहाल ये है कि कांग्रेस के जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जानी चाहिए, और उसको जाने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत है, वातावरण बनाने की जरूरत है, उसके अंदर आज के इस रैली से जरूर उसके अंदर एक ताकत मिलेगी, उसे ऊर्जा जरूर मिलेगी। मैं ये वाली बात को भी कहना चाहता हूं कि अगस्त के अंदर अभी राहुल गांधी जी का भी प्रोग्राम बना हुआ है, खड़गे जी का भी प्रोग्राम बना हुआ है, और जो है वो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो आप उसके समय भी आप शो करेंगे, और फिर शायद हम उस समय अगर ग्वालियर की और शहडोल की और जो खड़गे जी का कार्यक्रम अगर मालवा निवाड़ में होता, जहां कहीं भी है, तो उसकी भी हम लोग जो है तब कुछ कंपेरिजन करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि इससे माहौल बन रहा है। और उन्होंने जो बात, देखिए एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर कर्मचारियों की भी है, क्योंकि तो कर्मचारियों को हर तरीके से खुश करने का काम शिवराज सिंह जो है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कल जब मैं बहुत सारे सेक्रेटरिएट के लोगों के साथ में बैठा था तो सेक्रेटरिएट के लोगों ने कहा कि वैसे तो हम जो है भाजपा के साथ है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन के कारण से हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब आप ये समझिए इतना क्लियर कट डिवीजन है, और ये डिवीजन जो है कांग्रेस का लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है, बूस्टर डोज जिसे कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने हिमाचल में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो है ओल्ड एज पेंशन वाला जो किया है, तो या तो मैं तो पहले से कहता रहा हूं, या तो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ओल्ड एज पेंशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का कर्मचारी तबका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ा होगा और उससे बहुत बड़ी मदद कांग्रेस पार्टी को होगी। इसको उन्होंने जो है प्रियंका गांधी ने काफी हाईलाइट करने का काम उन्होंने किया। इसके साथ साथ में जो एक बात है कि युवाओं का सपना क्या है और युवा क्या केवल राशन के लिए तैयार है या अपने पैर के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, ये सब बातें भी उन्होंने कही। ये सही है कि जो वो मतलब एक तरीके से जो बात कॉर्ड एक स्थापित करने की बात है, तो उन्होंने शुरू और आखिरी में बोला बुंदेलखंडी का मामला था, और वो बुंदेलखंडी भाषा यहाँ पर ग्वालियर में चलती नहीं है, है ना। तो वो उनको गलत तरीके से लोगों ने दे दिया, अब उन्होंने पढ़ दिया, है ना। तो अब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो जो लोग सलाहकार हैं, जो स्पीच राइटर्स हैं, वो उनकी गलती है। अब उसे उन्हें उतना वो एक तरीके से पूरे देश का पकड़ और उतना अध्ययन नहीं है कि कहाँ पर क्या बोली बोली जाती है, और सबसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि आप हर पूरे देश का आप इस तरीके से रखेंगे। फिर एक ये भी हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई जितने लोग थे, जितने लोगों ने मुझे पर्ची लिख करके दी, सब लोगों ने नकारात्मक बातें कही। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर जो है, मुझे लगा कि बहन जी के ऊपर भाई का असर है, कि उन्होंने कहा कि भाई जितने लोगों ने मुझे लिख के दिया सबने नकारात्मक बातें लिख करके दे दी, और मैं कुछ नकारात्मक बात नहीं करना चाहती, मैं तो जो है केवल मुद्दों की बात करना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने अपने मुद्दों की बात कही, और फिर उन्होंने जब पूरा घोटाले की बात कही तब फिर उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे घोटाले की पढ़ के सुनाना भी मुश्किल है, और मेरे को बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। फिर वो उस लिस्ट को तलाशती रही, वो लिस्ट उन्हें मिली, फिर उन्होंने कहा नहीं मिली नहीं लिस्ट मेरे को, तो मैं आपको केवल वो जो है पटवारी वाला उन्होंने बोल करके चलाया,
मतलब एक ये कि और ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर के जो है यहाँ पर उनकी बात हो सकती थी और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी, क्योंकि बहुत माइन्यूटली इसको जो है श्रवण गर्ग जी मतलब उतना अध्ययन करते हैं, लोगों के लिए तो मतलब दर्शन ही काफी हो जाता है। दूर दूर से आए हैं, बसों से आए हैं, गाड़ियों से आए हैं, इंतजाम है सब कुछ, और इसलिए अगर दर्शन हो गया तो उतना ही काफी है। दर्शन लाभ जो है, जब यहाँ पर तो आपको मालूम है कि वो शास्त्री जी, वो खुला प्लॉट वाले जो शास्त्री जी हैं, वो उनके ही दर्शन के लिए जब यहाँ लाखों लोग आते हैं, तो फिर ये तो परिवार है जिसका एक बहुत बड़ा क्लाउट है और जिसकी एक, जिसे कहा जाए कि एक पावर स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ी भूमिका है, और आने वाले समय के अंदर भी इस मध्य प्रदेश में तो कम से कम भूमिका रहने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ है ना कि आप अमरीश जी, कि इस समय जो पूरी लड़ाई है वो विधानसभा की लड़ाई है, और मैं ये मानता हूं कि जब पूरे देश में अगर ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य में से 3-4 राज्य अगर यहाँ पर जो इंडिया का अपोजिशन वाला जो है अगर उसके पास में आ जाते हैं या यहाँ पर कांग्रेस के पास में आ जाते हैं, तो उससे मामला एकदम बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, और बहुत आगे बढ़ जाएगा, और पूरे माहौल देश बन में गया जिस तरीके की स्थिति माहौल बन जाएगा। और मैं इस बात को माहौल की बराबर बात है। कहता रहा हूं चुनाव के अपने लड़ने के अनुभव से भी, कि हवा से लोकसभा का चुनाव होता है ना, मतलब राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है ना। हो गया मामला, वीपी सिंह जी जो है आ गए, आपने देखा गरीबी हटाओ जो है इंदिरा जी आ गई, तो एक हवा से चुनाव होता है, और वो हवा जो है एक बहनी शुरू हुई है, बिल्कुल मतलब पहले ही दिन, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि पहले ही जो है आपने पिच लड़ाया और जो है सामने वाले की पतंग कट गई, मतलब जो है इस तरीके की बात हुई है। तो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिलहाल जो है असेंबली इलेक्शन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं सभी दर्शकों को केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं, और आप तो तीनों अच्छे तरीके से उससे परिचित ही हैं उस फैक्ट से, कि पिछली बार भी अगर मिला तो 40-40% के आसपास था मामला, मतलब 1% का भी अंतर नहीं है, केवल 5 सीटों का अंतर था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 20% है, मतलब जो कांग्रेस में भी नहीं है, भाजपा में भी नहीं है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, और वो उसकी काफी बड़ी ताकत बिल्कुल है। यहां पर जो है उत्तर प्रदेश से आए थे चंद्रशेखर रावण, 40,000 लोगों की रैली करके गए ओबीसी महासभा के साथ, किसने फंडिंग किया नहीं किया उसको लेकर यहाँ पर बहुत अखबारों के अंदर छपता रहा, लेकिन वो कुछ तो ताकत अपनी दिखा करके गए। उत्तर प्रदेश के आसपास का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में 13 जिलों के अंदर समाजवादी पार्टी 5,000, 10,000, 20,000 की अपनी हैसियत में रहती है। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के जैसे यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के 8 MLA थे, और उसी तरीके से 11 तक MLA यहाँ पर BSP के रहे हैं, वो भी लड़ने वाली है। तो बहुत, और गोंडवाना के अंदर जो है कई फैक्शंस हैं, और उसके अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ उसको संभालेगी। यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक जैस करके बड़ा संगठन है, उस जैस के अंदर एक जो जो राय जो थे नेता आनंद राय, जी हेलो, बिल्कुल हाँ बोलिए जो आनंद राय थे वो अभी चंद्रशेखर राव की जी पार्टी में शामिल हो गए हैं, है ना। तो मामले जी जो है, तो ये जो 20% वाला मामला है